मेरे गुरुवर पर
की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे दुर्बल पधारे, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे दुर्बल पधारे, सजा दो घर को फूल सजा मेरे दुर्बल पधारे। I'm gonna make you mine।
अभिषेक जी जो महाराज जी की कृपा पात्र हैं और यहाँ बच्चों को भाषा से लेकर के और उनको विविध कुशलताओं में निष्णात बना रहे हैं। तो अपने भाई अभिषेक जी और उनकी बेटियाँ अभिषेक जी और माला जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आशीष हैं वो हमारे लिए और उनकी बेटियां अलंकृति और अनुभूति वो भी आज एक यहाँ भजन सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं। दोनों ही बेटियां उनको माइक दे ही लगा दी बजाई खुद बजाती है। हमको तो अभी तक बजाने नहीं आती, उनको तो अभी बजाने मुझे महाराष्ट्र के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को संगीत से लेकर के बहुत प्रकार के अपने संस्कारों से संस्कारित करते हैं। और कितने बच्चे गिराओ मत बेटा इसे, लगभग 800 बालक बालिकाओं को यहाँ पर मुझे महाराज जी बहुत अनुग्रह करके शिक्षा दीक्षा देते हैं। और वो बालक उनके हैं जिनको समाज में अंतिम वर्ग कहा जाता है, दलित शोषित वंचित पिछड़े सफेरे ऐसे बहुत साधारण जो परिवारों के बालक बहुत प्यार से उठाते हैं। तो ये बेटियां पहले महाराष्ट्र के आश्रय में पढ़ रही थी, अब यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में है। तो सुनाइए बेटा अलंकृति और अनुभूति, चलो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। Oh,
ये तो अनुभूति अनुकृति को मैंने बहुत दिनों के बाद देखा ही तो बड़ी हो गई 2 साल में। तो चलो दोनों बेटियों का बहुत आशीर्वाद। और आज भगवान का भी बहुत अनुग्रह है। और हमारी पूज्य साध्वी देव प्रिया जी और पूज्य परमार्थ देव जी के साथ हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी और सारे देवी देवताओं ने मिलके, सब पूज्य संतों ने, साधवियों ने मिलके ये पूज्य महाराष्ट्र ये सारा आज यज्ञशाला को हमारे साधु साध्वियों ने, भाई बहनों ने ही सजाया। और हम ये देख रहे थे कि यज्ञशाला के पिलर आज कहाँ गए, तो वो भी आज जो है किसी राजमहल जैसे लग रहे। तो यज्ञशाला को आज एक दिव्य भव्य रूप दिया हुआ है। ऊपर नीचे देखो तो चारों ओर से ऐसा एक उत्सव जैसा, जैसे कहते ना कि अपने घर में जब कोई संत आए तो होली दिवाली सारे त्योहार आ जाते हैं, तो पूज्य महाराष्ट्र के आने से ऐसा ही सब बच्चों ने सामने भी इतना सुंदर पुष्प और स्वस्तिक से लेकर के हाथी घोड़े तो है नहीं, जो इनको मिला उन्होंने हैं छोटे छोटे हैं, अच्छा कश्यप अवतार है। तो ऐसे बात ही एक उत्साह का, उत्सव का और श्रद्धा का, भक्ति का अतिरिक्त है यहाँ। और हमारे श्रद्धे बाबूजी पद्मसेन जी और हमारी श्रद्धामयी पूज्य माता प्रेम जी, जिनके संकल्प से मकर संक्रांति से यह 4 वेदों का महायज्ञ चल रहा है। अब इसकी 16 फरवरी को पूर्णाहुति है। ये एक कई वर्षों के बाद 4 वेदों का पहले भी अनुष्ठान हुआ है। उस समय पतंजलि परिवार में इतने साधु संन्यासी नहीं थे, तब और एक परिवार पतंजलि का बहुत बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे इतना विश्वव्यापी हो रहा है। पहले जब मैं एक दिन आया था यहाँ पर, तब मैंने कहा था आने वाले 25-50 वर्षों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी योग को, यज्ञ को, प्राकृतिक चिकित्सा को, आयुर्वेद को, भारतीय जीवन पद्धति को फॉलो करेगी। ये बहुत बड़ी बात है, बात कोई संख्या की नहीं है, ना कोई सत्ता का संघर्ष है, ना कोई यहां किसी को डोमिनेट करने की कोई हमारी अभिलाषा है, बस एक भावना है कि सब कल्याण के मार्ग पर चले, वो स्वयं स्वस्थ रहें, सुखी रहे, समृद्ध हो, संतुष्ट हो, भीतर से अपने आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्त हो, एक ऐसा ये मार्ग है। और इस मार्ग पर हमारे सभी पूज्य सन्यासी, पूज्य शास्त्री बहने, हमारी श्रद्धामयी ये दिव्य बेटियां, जिनके भीतर कितनी दिव्यता है, कितनी पवित्रता है। और हमारे सभी खाली वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के भाई बहन ही नहीं, पतंजलि गुरुकुलम की भी बेटियां और छोटे छोटे हमारे ये ऋषि कुमार जो अभी 2-2.5 साल के ही हैं, सरकार ने 3+ एजुकेशन की बात की। जब हमने यहाँ 2 साल के बच्चों का गुरुकुल चलाया तो लोग कहते थे
ये स्वामी रामदेव का दिमाग खराब हो गया। तो 3+ एजुकेशन की सरकार ने बात की, तो भाई सरकार से तो 2 कदम आगे ही होता है सन्यासी की। हमने 2+ एजुकेशन की बात कर, इसलिए कहा था। और वो मॉडल हमारा कामयाब रहा, बड़ी बात है। पूज्य महाराज से छोटे छोटे बच्चों ने अष्टाध्यायी, धातु पाठ, भगवत गीता, उपनिषद आदि शास्त्र स्मरण कर लिए। जो बच्चे कोई जो है 2-3 साल में 2-3 कोई इंग्लिश की पोयम या 1-2 हिंदी की कविताएं सीख पाते थे, उन बच्चों ने सैकड़ों सैकड़ों सूत्र मंत्र कंठस्थ कर लिए इसके लिए। इन बच्चों का उनके भीतर एक डिवाइन प्रोग्रामिंग हो रही है। देखो सारा खेल दिमाग की प्रोग्रामिंग, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है उसी के ऊपर चल रहा है। सारी दुनिया तो आजकल सॉफ्टवेयर पर और ऑटोमाइजेशन पर काम कर रही है। तो हम जैसे हमारे विचार संस्कार होते हैं वैसे ही जीवन में जीने लगते हैं। तो हमारे 2-2.5-3 साल के छोटे छोटे बालक बालिकाएं भी हैं, और पूज्य महाराज श्री लगभग 30 बहनें जो है जो घर परिवारों को अपने छोड़ करके, जो हमारी पूज्य साध्वी बहने हैं और हमारी जो श्रद्धामयी बेटियां, ये तो सेवा देती ही देती है। हमारी लगभग 30 बहनें अपने घर परिवार को, जो भी वहां व्यवस्था होगी उसके, तो बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर निशुल्क निस्वार्थ बहुत दिव्य सेवा दे रही है। एक बार उनका भी बहुत बड़ा, और उन्होंने साधारण परिवारों से लेकर के बहुत संभ्रांत परिवारों की बेटियां हैं, बहने हैं, बहुए हैं, वो भी सेवा में लगी हुई हैं। तो ये तो छोटे छोटे बालक हमारे सामने बैठे, उनके संदर्भ में कहा। और आपकी सन्यासी बालक भी अब बड़े बड़े हो रहे हैं सर, और आज मैं सुबह बोल रहा था, भाई यदि हो सके तो अपना एक बच्चा मुझे दान भी दे दो। तो ऐसे कुछ बात आई थी, क्या बात थी कि समझे हम ये दान करेंगे, हम वो दान करेंगे, हमें जीवन दान मिल गया। हाँ, किसी को बालक नहीं होते। तो मैंने कहा हमने जो उपाय बताए इस देश में, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतने ज्यादा कुत्सित वासना में विचार संस्कार वाणी व्यवहार स्वभाव में जहाँ पतन हुआ, तो उसके कारण से बहुत से कारण हैं उसके, तो इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ी। और हमने जो लोगों को सामान्य उपाय बताए, इस देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं, सैकड़ों नहीं महाराज, लाखों बच्चे हैं जो गर्भ से ही योग सीख करके छोटे छोटे एक पैदा होते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, हाथ पैर तो मारते हैं, हाथ यहाँ लगाते हैं, उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, बोले समझी मैं ऐसे ही करती थी, यही कर रहा। तो गर्व से इस देश में लाखों योगी बच्चा पैदा हो रहे हैं। और पहले तो मैंने महाराज जी थोड़ा थोड़ा ही बताया था, मैं भी डरता था भाई हमारा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो हमने शास्त्र में जैसे पढ़ा तो हमने इतना ही बताया कि सूक्ष्म व्यायाम करो और अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, वेद पाठ करो, गीता पाठ करो, और सूर्य नमस्कार 3 महीने से 5 महीने तक कर सकते हो धीरे धीरे। तो फिर कुछ बेटियों ने कहा, हमारी बेटी है आदरणीय रेणु जी और ओपी श्रीवास्तव जी के परिवार से, रजत जी है, रजत प्रकाश। तो श्वेता बोली समझी मैं तो शुरू किया और अब 9वें महीने तक महाराज जी, उसने 9वें महीने तक सूर्य नमस्कार किया और उसका बालक जो पैदा हुआ उस कुल में वैसा स्वस्थ बालक आज तक नहीं हुआ, इतना तेजस्वी बालक विराज जिसका नाम रखा। ठीक है जी, विराज विराज विराजमान हो गए, वो इतना योगी बच्चा है। फिर जो है ये बातें चली रही थी, मैंने खूब प्रचार किया, यदि
वंशानुगत रोगों की जेनेटिक डिजीज की चैन को तोड़ना है तो कोरोना की चैन के साथ साथ में जेनेटिक डिजीज बीपी शुगर थायराइड लीवर किडनी की प्रॉब्लम कैंसर में तो देखता हूँ महाराज जी कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक एक परिवार में 25-25 लोगों की मौत कैंसर से हो गई। चाचा को ताऊ को फूफा फूफी को जिसको देखो उसी को आज भी बच एक बहन आई हुई थी मुंबई से बोले स्वामी जी मेरे परिवार में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों तरफ से इतने लोगों की मौत हो चुकी है कैंसर से लेकिन मैंने योग के द्वारा जो जेनेटिक कैंसर था मेरे परिवार में मैंने उसको भी थाम दिया। तो बीच में विराट कोहली की पत्नी इनको सातवें आठवें महीने तक शीर्षासन करके ही सबको हैरत में डाल दिया। अब शीर्षासन को सातवें आठवें महीने में करे तो लोगों को हैरत लगती तो अब फिर विराट कोहली वैसे भी स्टार है क्रिकेट का तो अब लेडीज में प्रेग्नेंट लेडीज में अब योग करने का एक करेज पैदा हो गया यही हम कहना था भाई ये तो जोरदार काम है हम सबको करना चाहिए। तो चारों तरफ योग के प्रति एक जैसे पहले मैंने कितनी बार इस बात को 20 वर्षों से लगातार दोहरा रहा हूं कि मेरा जन्म योग की महिमा गाने के लिए हुआ। मैं योग को वेदों को ऋषि संस्कृति को महिमा मंडित होता हुआ देखना चाहता हूँ। यहाँ भोग को महिमा मंडित किया हमें योग को अध्यात्म को गुरु सत्ता को ऋषि सत्ता को सत्य को महिमा मंडित करना और अब मुझे लगता है अब ये प्रवाह है सृष्टि का इसमें सत्य जो है वो शनै शनै उभर रहा और ऐसे में हम भी अपना अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी अपने हिस्से का जो साधन है उसको हम प्रामाणिकता से करें और इसके लिए हमें जब महापुरुषों के आशीर्वाद मिलते हैं बीच बीच में तो और आह्लादित होते हैं और प्रसन्न होते हैं महापुरुषों के आशीषों से अभिषिक्त होकर के अनुग्रहित होते हैं उससे उपकृत होते हैं तो उनको देख करके ही उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है पर हमारा आनंद बढ़ता है उत्साह बढ़ता है हम और दिव्यता में आरोहण पाते हैं। तो पूज्य महाराज श्री जिनका हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है और यहाँ के तो सब बालक जो अभी नए आए हैं उनको छोड़ करके हमारे सभी वरिष्ठ सन्यासी और सन्यासिनियाँ सब आश्रम में जा चुके हैं और अभी तो महाराज जी से मैं कह रहा था कि महाराज जी बहुत दिन हो गए एक बार फिर जो है कितने हमारे नए ब्रह्मचारी हैं छोटे बालकों को छोड़ के जो अभी जा नहीं पाए हैं अच्छा अच्छी संख्या और कितनी बेटियां हैं जो नहीं जा पाई तो अभी नई भर्ती होगी हमारी तो एक बार फिर से हमारे सभी पूज्य साध्वियाँ पूज्य हमारे सन्यासी पूज्य हमारे सभी आत्माएं दिव्य आत्माएं हमारी फिर कभी आएंगे वहाँ पूज्य बड़े महाराज श्री के भी दर्शन के लिए। महाराज श्री के जो गुरुदेव हैं पूज्य श्रद्धे प्रातः स्मरणीय चंद्र स्वामी उदासीन जी उन्होंने लगभग 60 वर्ष तक घर घोर तपस्या की है माने जप से लेकर के नाम सिमिरन से लेकर के साधना से लेकर के सेवा से लेकर के और जो एक साधु का पूर्ण दिव्य आध्यात्मिक जीवन होता है जीवन मुक्त महापुरुष जैसा होता है जिन्होंने अपने क्लेशों को दग्ध बीज कर लिया अपने विकारों को अपने संपूर्ण वासनाओं को जिन्होंने निर्बीज कर लिया है ऐसे महापुरुष और ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने से जो योग की देखो कुछ ऐसी अनुभूतियां हैं जिनको हम शास्त्र पढ़ करके अनुभव कर सकते हैं लेकिन ये जो निर्बीज समाधि है कैसे साधु दग्ध बीज होता है एक जीवन मुक्त महापुरुष
कैसे जीता है वो तो हम किसी महापुरुष को जब अपने आंखों से देखते हैं तभी ये जो योग और अध्यात्म का जो अदृष्ट सत्य है उसमें हमारा विश्वास दृढ़ होता है। तो पूज्य महाराज श्री के जो गुरुदेव हैं वो एक ऐसे महापुरुष हैं, मैंने हजारों हजारों महापुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं और कुंभ आदि पर्वों पर तो लाखों महात्माओं से मिलना हुआ ही है, कई कुंभ बीत गए हरिद्वार से लेकर के और प्रयागराज से लेकर के त्र्यंबकेश्वर से नासिक से लेकर के और इधर उज्जैन तक सारे महाकुंभों के जो है इन पिछले 27-28 वर्षों में हमने दर्शन किए। सेवा के दरमियान ही वहां शिविर लगा दिया हमने भी अपना, तो अनेक महापुरुषों से मिलना हुआ, हम किसी के साथ कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। इस पूरे आध्यात्मिक जीवन यात्रा में जिन दो महापुरुषों का विशेष आशीष हमें उपलब्ध हुआ, जिन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया हुआ, एक पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब उनके दर्शन किए और एक पूज्य हमारे चंद्र स्वामी उदासीन महाराज, हम दोनों ही महापुरुषों को शीश नवा के प्रणाम करते हैं, उनके अनुग्रह से उनके आशीषों से हमारी जो अदृष्ट में जो आस्था है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री से दो शब्द हमने बहुत गहरे सीखे, बाकी तो शब्द होता है उसके पीछे का जो दर्शन है कि एक साधु की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के मत पंथ विचार सिद्धांत और साधन अध्यात्म के मार्ग पर भी महापुरुष करते, इसमें कोई बात नहीं, सबके अपने अपने अनुभूति है, अपने अपने संस्कार है, अपने अपने गुरु परंपरा है। तो पूज्य महाराज श्री जो है भगवान के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप को ये जो दो शब्द बोलते हैं, ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखाए है तत्र द्विरथ, वहां भगवान के दो रूपों का वर्णन है, मूर्तम चाबूर्तम च यत् ब्रह्मविदः वदन्ति, मूर्त और अमूर्त रूप में। तो भगवान को विश्वमय रूप में अनुभव करे और विश्वातीत तो वह है, और विश्वमय और विश्वातीत रूप ये कहने को दो शब्द है, इनमें सारा धर्म अध्यात्म दर्शन साधना समाधि सब कुछ समाहित है। तो ऐसे महापुरुष स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी यही कहते थे, भाई भगवान को सभी जगह दे, कहाँ देख लो, तो बोले फूलों में देख लो। तो हम बालक थे गुरुपुर से जाया करते थे, मैंने कहा महाराज फूलों में तो फूल दिखते, भगवान कहाँ दिखता है, बेटा फूल किसी ने बनाए, तुमने कही प्रकृति में हमने बीज डाले बन गए, तो बोले बेटा अभी देखो एक ही क्या है, तो सैकड़ों प्रकार के फूल रहा करते थे नूरगढ़ आश्रम, देखो एक ही क्यारे में बेटे इतने फूल खिले हैं, तो इसके पीछे एक शक्ति तो है, तो एक ही क्यारे में कितने न्यारे न्यारे फूल हैं, उनमें कैसे अलग अलग सबकी गंध है, और इसी के आस पड़ोस में कितने प्रकार के पेड़ पौधे उनके अलग अलग रस हैं, शाक सब्जियां हैं, एक ही क्यारे के अंदर मिर्च लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, उसमें आंवला लगाते आम लगाते, तो सबके अलग अलग रस कहां से कौन दे रहा है। तो देखो हम बताते हैं उस समय की बात, ये आज से करीब लगभग 33-34 साल पहले की बात है, अब उस समय लगता तो था स्वामी जी कुछ कह रहे हैं लेकिन इसका जो तत्व होता है वो उतना गहराई से उसकी अनुभूति नहीं होती, और सहज जीवन जीते हुए 24 घंटे भगवान में कैसे जिया जाए इसकी प्रेरणा देते थे। एक दिन हमसे पूछा तो बेटा तुम संध्या करते हो, मैंने कहा जी हम तो रोज करते,
कितने देर करते हो? तो 15 मिनट करते हैं। तो फिर बाकी समय क्या करते हो? बाकी समय अपना काम करते हैं। संध्या करेंगे तो काम कब करेंगे? तो कितने समय होते हैं तुम्हारी संध्या, उपासना, यज्ञ आदि? मैंने कहा जो सब मिला करके पूरा संध्या हवन दोनों समय का सब मिला दिया जाए तो आधा घंटा, और कोई बड़ा हो जाए तो 1 घंटा। तो मुझे अभी भी याद है छोटे बालक थे, तुम 1 घंटे के आस्तिक हो, इसका मतलब 23 घंटे के तुम नास्तिक हो। तुमने कहा गुरु जी 24 घंटे का आस्तिक कैसे बना जाए? 24 घंटे भगवान के साथ एकात्म होकर के जीवो। इतने बड़े शब्द उस समय समझ में आते नहीं थे, अनुभूति नहीं थी, शब्द तो समझ में आते ही थे इसलिए तो याद है अभी तक। तब फिर पूज्य महाराज श्री का जब दर्शन किया तो उन्होंने और इस सत्य को हमें गहराई से अनुभव में उतारा कि साधु की दृष्टि, साधु का जीवन, उसकी वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण, चरित्र ऐसा होना चाहिए इस पूरे सृष्टि के एक एक कण में हर समय उसी परम तत्व की अनुभूति के साथ वो एकात्म होकर के और भगवान के नाते ही सब रिश्ते नाते खुली वाता हुआ भगवान की ही प्रसन्नता के लिए सब साधन सेवा करता हुआ बस सेवा और सुमिरन करता रहे। सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब जो भी उसके पास सामर्थ्य है, कुशलता है, उसके पास में विद्या विभूति ऐश्वर्य है, साधन है, सबसे भगवान की प्रसन्नता, भगवान के प्रियाचरण के लिए सेवा करता हुआ और जब भी वक्त मिला तभी सिमरन करता है। और पूज्य महाराज श्री जब मौन में थे तब भी हमने पूछा, तब भी यही उत्तर दिया। जब मौन खुला महाराज श्री का सहज रूप से तब भी यही उत्तर दिया, और उत्तर दिया नहीं, ऐसा ही उन्होंने एक एक पल दिया। एक अंतिम बात कहकर के तो फिर हमको भी ये तत्व जो है ऐसे सहज उतरने लगा। और ध्यान में एक बार भी व्यवधान नहीं आना चाहिए। जब ध्यान कर रहे हैं तो फिर दूसरा कोई तत्व ध्यान में ना आए। तुम्हारा श्री अपनी किताबों में भी लिखा है इन बातों को और अपनी अनुभूतियों में भी कहा है, और जब पूछते हैं तब उत्तर भी दिया है कि साधक के सामने जब एकांत ध्यान करता है तब एक बहुत बड़ी ग्रंथि होती है, या तो स्मृतियां आ जाती है ध्यान भजन करते समय, और स्मृति जैसे रुके नींद आ जाती है। और मुझे लगता आप लोगों ने भी ध्यान लगाते इसमें कईयों ने निद्रा का आनंद लिया ही होगा, क्यों? सच्ची बात है ना? छोटे बच्चे भी कह रहे। तो जैसे ही स्मृतियां रुकती हैं तो निद्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि स्मृति के आगे कुछ दिखता नहीं है तो फिर नींद आ जाती है। तो ये इस प्रश्न का भी समाधान पूज्य महाराज श्री से मिला, और वही बाकी तो अलग बात है, कोई प्रवचन की बात नहीं। हम एक बात कहते हैं आपसे कि मुझे भी कभी कभी ध्यान में नींद आ जाया करती है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जब से ध्यान किया उसके बाद भाई हमको तो नींद एक बार भी आती है, और इसको मैंने कई बार अनुभव किया। कई बार तो मुझे ऐसा भी हुआ कि मुझे 2-3 घंटे ही सोने को मिला और फिर भी ध्यान में बैठा, तो वो एक महापुरुष के अनुग्रह का, आशीष का, ये गुरु सत्ता का अपना एक ओरा होता है, उनका एक आशीष कहो, उनका अनुग्रह कहो, कृपा कहो, उनके दर्शन मात्र से। और जब हमारा कोई साधु कहता है कि मुझे भजन करना है एकांत में, तो मैं कहता हूँ ये उदाहरण मैं सारे साधुओं को देता हूँ, और
हमेशा बोलता रहता हूँ। हमारे कई कई साधुओं को वैराग्य उठता है बीच बीच में, कुछ इधर बैठे बाई तरफ, कुछ सामने बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं देवी देवता, कि मुझे भजन करना है एकांत में। तो मैंने कहा दिनचर्या बनाओ और सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा तुम्हारे कमरे। पूज्य महाराज श्री तीन बजे उठने से लेकर के रात को 10 बजे तक एक मिनट भी उस महापुरुष ने प्रमाद नहीं किया। यह है किसी साधु के साथ एक मिनट 90 वर्ष पार करने, 92 वर्ष के हो चुके महाराज जी, 92-93 वर्ष। एक मिनट का भी प्रमाद नहीं, जबकि उनका जो निवृत्ति प्रधान जीवन है अधिक, लेकिन निवृत्ति में भी सेवा और सिमरन ये दो ही साधन कभी भी पूछो। पूज्य महाराज श्री से कभी भी सोते समय पूछ लो जगा करके, महाराज जी भजन कैसे करें सेवा सिमरन का, यही उत्तर आएगा। जागते हुए पूछ लो, जब मौन थे तब लिख करके पूछ लो, उनके जीवन में देख लो भाई, जो जीता है वही तो कहेगा महापुरुष। और महाराज जी उस समय के बीएससी पढ़ रहे थे, एमएससी करते करते ही भगवान में इतना, उस समय के आज से आप देखो ना 92 वर्ष पहले कैसी स्थिति थी। उस समय एमएससी में पढ़ शुरू से बचपन से ध्यान जीवन रहा, लेकिन जब भी पूछोगे सेवा और सिमरन, साधु को प्रमाद ही नहीं, सेवा और सिमरन। तो ये महाराज जी की कुछ शिक्षाएं जो नए बच्चे आए उनको भी हमने दे दी, बता दी। अभी भी 93 वर्ष की अवस्था में जब तुम हो जाओगे तब मैं बताऊंगा, बोले अच्छा तब तक जिंदा रहोगे यार, तो कुछ के सामने तो रहूंगा ही। अभी भी इस आयुष्य में भी सुबह कितने बजे भजन होता है, सुबह का ध्यान 4:30 बजे ध्यान होता है, तो इस आयुष्य में भी सुबह नहा धो करके 4 बजे तैयार हो जाएंगे 93 साल की उम्र में। ठीक है, शरीर का एक धर्म होता है, तो चलो ध्यान में चलना। मैं भी अभी भी जाता हूँ बीच में कई बार, तो मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, मेरे साथ कुश्ती भी करते हैं। कुश्ती उन्होंने एक बार तो बड़ा विचित्र वाकया हुआ, यहीं हरिद्वार में रहते थे पहले महाराज जी गंगापान,